क्या घर में? आइए। शहर के कॉलेज के लड़के यहाँ एक शिविर के लिए आए हैं। वो 10 दिन यहाँ रहने वाले हैं। और क्या करेंगे? रोज सुबह श्रमदान करके वो बड़ी सड़क को जाने वाला अपना कच्चा रास्ता पक्का करने का काम करने वाले हैं। सरपंच और सदस्य उन्हें लगने वाले औजार बैलगाड़ियाँ देने वाले हैं। अपने गांव का रास्ता बाहर के लोग आके करने वाले हैं। हमें भी तो कुछ करना चाहिए। ओए माँ, घर का काम होता नहीं, दुनिया भर का कब करेंगे? हमारा घर का काम कम है क्या? अरे ऐसे कैसे होगा, रास्ता तो अपना ही है ना, तो हमें भी मदद करनी चाहिए ना। सारी औरतें आएंगी ना, नहीं तो दो चार जन इतना सारा काम करती रहेंगी और बाकी की मजा देख के तालियां बजाएंगी। हम शुरुआत तो करेंगे, बाद में आएंगे सब। मदद करना यानी क्या करेंगे? जिसको जो जो जमेगा वैसा वैसा उसने करने का। मिट्टी उठाना, पानी भरना, पत्थर लाना, यहाँ कोई भी मुकदम नहीं है। सभी तो काम करने वाले, 10 दिन का काम है और एक बार का खाना। आओ ना, देखो कैसा मजा आएगा। अरे खेलना। अरे रुकना, ये जोकर रखा था ऊपर, ये ले। क्या बेका? क्या बेका? फेंकता हूँ, ये ले। क्या शंकर राव, आज इधर किधर घूमने? अरे हमारे कॉलेज के कुछ लड़के आए हैं, सोचा उनसे गांव का कुछ काम करवा लूं। कॉलेज के लड़के और गांव का काम, कुछ गड़बड़ लगती है जरूर। क्यों क्यों? अरे क्यों क्या, अरे पांचवी छठी कक्षा के लड़के रोप दिखाते हैं और कॉलेज के एसपीएस करने वाले सूटबूट वाले लड़के, वो क्या गांव का काम करने वाले, क्या बोलता है तू? यही तो हम गलती करते हैं। अरे आदमी पढ़ा तो उसकी बुद्धि बढ़ जाती है, दूसरों को मदद करने की प्रवृत्ति होती है। ऐसा ही क्यों? मेरे साथ चल, हाथ कंगन को आरसी क्यों? नहीं नहीं बाबा, हमको दूसरे काम है, चल चल। अरे मगर वो घमेला फावड़ा कुदली तो देंगे। अब खेत पर तो हम भी जा रहे हैं ना, हमको नहीं लगेगा वहाँ पे क्या? चल चल खेल खेल, मैं खेला ना, जल्दी खेल रहे तू, चल। मैं कहता हूँ ये शंकर तो पागल हो गया। ऐसे अकेले कोई गांव सुधार सकता है क्या? बैठ इसकी तो जादू की चेड़ी घुमाने वाला गांव पर से। वाह वाह वाह, महात्मा गांधी भी पहले अकेले ही थे समझे ना, उनका भी जादू की छड़ी पर विश्वास नहीं था, पर मुट्ठी भर नमक लेके सारे ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया था ना। हाँ, तुम्हें उसकी क्या कदर, उसके लिए दो अक्षर पढ़ना चाहिए, आँख कान खुले रखना चाहिए। ए यास्मीन, हमने तुम्हें कुछ बोला क्या? क्यों हमारे बीच में आते खाली पीली? अरे बेचारा वो शंकर इसी गांव का, तुम भी इसी गांव के ना, फिर उसे मदद करना दूर ताने क्यों मारते हो, और हम वो सुनते रहेंगे क्या? तो हमें क्या दूसरा काम नहीं क्या? गपशप करने के सिवा क्या काम करते हो, जरा मुझे भी बताओ। उसकी चिंता तू मत कर यास्मीन, हाँ, हम कुछ भी करेंगे। उसकी सहूलियत तो लोकसाई ने दी ही है तुम्हें, पर वो काम करते हुए भी अपना जन्म मानव जात का है, और भगवान ने इंसान को बुद्धि नाम की अनमोल चीज दी है, ये ध्यान में तो रखना चाहिए, नहीं तो जानवरों में और तुम में फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। शेठ जी, गेहूँ कितना मिलेगा? वो सब दे दो और शक्कर भी दे दो। गेहूँ? अरे पर मंजुला बहन, तुम तो गए हफ्ते में गेहूँ भी ले गई और शक्कर भी ले गई। ओ माँ, मैं कब गेहूँ और शक्कर लेके गई? तुमने नहीं तो वो तुम्हारा घर वाला ले गया होगा, मने सुखा पर छे। नहीं नहीं, वो क्यों लेके जाएंगे, हमेशा मैं ही आती हूँ ना राशन लेने, तुमको पता नहीं है क्या? क्या पहली बार आई हूँ मैं? मंजुला बहन, ये तेरा कार्ड देख है? ये कार्ड में साफ साफ लिखा है, अगर तू नहीं समझती ना तो किसी पढ़े लिखे से पूछ नहीं, तू मुझे क्यों झूठा कहती है? अरे शेठ जी, नहीं लेके गई, मैं कसम खा के कहती हूँ। अरे क्यों खोटी कसम लेती है, खोटी कसम क्यों लेती है, ये कार्ड ले और चल। टाइम क्यों खराब करती है, कौन है उधर, आओ भाई। चिट्ठी आई है, आई है, आई है। अरे शमंता भाई, अच्छा हुआ तुम इधर ही मिली, अरे तुम्हारे घर जा रहा था मैं। हा? अरे तुम्हारी मनी ऑर्डर है ना, लो मनी ऑर्डर, ये यहाँ सही करो। ओ मास्टर, सही करना नहीं आता। सही करना नहीं आता तो अंगूठा लगाओ भाई आपका। अंगूठा लो। बस और किधर? नहीं बस। कितने हैं? 50 रुपए। ऐसा कैसा, हर महीने 100 होते हैं, तुम नए नए आए हो इसलिए तुम लोगों को पता नहीं है। अरे मालूम होने का क्या है इसमें, अरे यार लिखा है ना, चलो
पर यह अंगूठा मेरा है, इसकी गवाही के लिए सही लगेगी ना किसी की तो। ठहरो, मैं पड़ोस की आका को बुला के लाती हूँ। अरे अरे, कुछ भी बुलाने की जरूरत नहीं है। अरे मेरे पास जरा भी टाइम नहीं है, सरकारी काम है ये, तुम्हें कुछ समझता है कि नहीं है? पर यह गवाही की सही लगेगी ना? वो मैं लूंगा जाते जाते। पिछले कर्मों का फल अब भुगतना पड़ रहा है। बचपन में स्कूल नहीं गई तब अच्छा लगा, अब बैठिए रोते हुए। रोते रोते बैठ के सुलझने वाली नहीं है ये बात। नहीं तो क्या? अरे रोते बैठने से चार अक्षर पढ़ने में समय बिताओ ना। साक्षरता का इतना बड़ा कार्यक्रम शुरू है, मालूम है ना? मालूम है, पर अब कब सीखेंगे? बैल गया और घोंसला किया। कहाँ नहीं गया, गया होगा चरने, हम उसे पकड़ के लाएंगे। गलती कभी भी सुधर सकते हैं, अब पहले पढ़ाई शुरू। यहाँ लाओ तो। चाय नहीं ली तूने? अरे कितना सोचेगा उस चिट्ठी के बारे में ये दत्ता दादा? ऐसा कुछ करेगा ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था मैंने। शहर में जाके अपने गांव को वो भूल गया। जाने दे रे, अरे शहर जाते वक्त कितना मनाया था तुमने उसको, लेकिन उसने एक नहीं मानी, तेरी या मेरी, तभी समझना चाहिए था तुझको। हाँ कहा था, तब भी हाँ कहा था, तब सोचा था वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। अपने गांव को भूलना इतना आसान है क्या? अरे माँ की कोख से जन्म लेने के बाद मातृभूमि के साथ अपना नाता जुड़ जाता है, ये कैसे कोई भूल सकता है? सब लोग तेरे जैसा सोचने वाले नहीं होते बाबा, जाने दे, भूल जा वो, अपना क्या बिगड़ता है किसके सिवा। तू ऐसा क्यों कहती? अरे बचपन का सपना हम तीनों मिलकर पूरा करेंगे, ऐसा वचन दिया था ना हमने गणेश जी को, पर वो तो अब यहाँ आने का नाम ही नहीं लेता है। ऐसा ही होता है बाबा, एक बार शहर की हवा लग गई कि कौन आता है किस लिए गाँव। अरे मगर इतना बड़ा कार्यक्रम और अपने घर वाले ही शामिल नहीं हो रहे हो, ये देखा तो फिर लोग क्या कहेंगे? ऐसा क्यों कहता है, मैं कुछ भी नहीं लगती तेरी। अरे अम्मा दे मुझे। हाँ नंदा, आज इंतजार नहीं करवाया और उससे जल्दी भी आ गई। आज सवेरा कहाँ से हुआ? आज सवेरा मकर राशि में हुआ, तुझे मालूम नहीं है क्या? क्या अम्मा, संक्रांति का कार्यक्रम रखा है महिला मंडल में। हाँ, इसलिए आधा दिन कॉलेज जाके आऊंगी ऐसे पहले ही बोला था मैंने। हाँ, भूल गई थी। अपने खेत की ज्वार की गठरी आ गई है आज। आई क्या? वैसे तो यहाँ जरूरत नहीं कि कुछ नहीं, फिर भी भीमा हर साल नवेली गठरी लाता ही है। नहीं नहीं बोली नहीं क्या? हाँ हाँ, आज नवेली गठरी की पूजा की तो कल से कटाई शुरू होगी। हाँ, दो चार दिन में फसल काटने के लिए आऊंगा ऐसा कहा उसने, फिर जल्दी उठ के खेत पे जाना पड़ेगा, नई जवारी, नया चना, गेहूँ, जो भी होगा उसकी पूजा करना, धरती का उपकार मानना, उसके उपकार की याद रखना। फसल अच्छी हुई इसका मतलब ये नहीं कि सब कुल भूल जाओ। वो तो है ही, पर कौन से ऋतु में क्या खाना इसका भी नाता त्योहार से बना दिया गया है। ठंडी में खाना कैसे भारी पौष्टिक होना चाहिए, इसीलिए तिल लगाई हुई बाजरे की रोटी, पत्तों की भाजी, मक्खन, खिचड़ी, इनका रिश्ता संक्रांति के साथ जोड़ दिया गया है।
गुड़ की रोटी कैसे गर्मी और ताकत बढ़ाने वाली होती है। देवा कहाँ से सीखा इतना तूने? कहाँ से क्या, कॉलेज जाती हूँ मैं। हाँ इसीलिए, नहीं तो तुम आजकल की लड़कियों को कहाँ से ही पुरानी रीत बात की चाहत। मैं नहीं उनके जैसी। सच कहा, मैं ही गलत हूँ ना। शंकर दादा लाइए, मैं करता हूँ। नहीं बीमा दादा, रहने दे रहने दे। अच्छा बताओ फलबाग कैसी है? हाँ बहुत अच्छा है। हाँ, पेड़ों में अंतर कितना है? 8 फुट। शाबाश। एक कतार में कितने पेड़ है? 15। शाबाश, अभी तुझे आंकड़े समझ में आने लगे। भीमा दादा अब तक कितने गड्ढे खोद दिए तुमने? 20। अरे ये क्या कह रहा है तू, 20? सिर्फ 20? हाँ। अरे पूरा महीना तू गड्ढे खोद रहा है ना, तो सिर्फ 20 ही गड्ढे? हाँ 20 20। अरे ये देख 3x3 के एक दिन में कितने गड्ढे खोदता है तू? 5 5। एक दिन में 5? हाँ। ऐसे पिछले 25 दिनों से तू गड्ढे खोद रहा है? हाँ। तो कितने गड्ढे होने चाहिए? 20 20। अरे ऐसे क्या कर रहा है 20 20? अरे यानी 120 कहना है तुझे? हाँ। अरे तो सीधी तरह से बोलना 120। शंकर दादा। हाँ। अरे बोलना भीमा दादा। 20 के आगे मुझे मालूम नहीं। देखा ना भीमा दादा, अरे ना पढ़ने से कैसी गड़बड़ होती है। वो प्रकाश कह रहा था कि गया हफ्ता भर तू साक्षरता वर्ग में आया ही नहीं था, तभी उसने आगे की गिनती सिखा दी थी। मैं आऊंगा। हाँ। जाऊं क्या? हाँ जा, पर आज से जरूर आना कक्षा में। हाँ जा। राम राम अरवा। राम राम सरपंच जी, बैठिए ना बैठिए। क्या गड़बड़ है? गड़बड़ काहे की? हाँ वो भी ठीक ही है, सब चुनाव तो खत्म हो गए हैं, अब क्या गड़बड़ होगी? अरे हर बात, चुनाव तो कभी खत्म होते ही नहीं है, एक चुनाव खत्म हो तो दूसरा शुरू होता है। ग्राम पंचायत का हुआ कि पंचायत समिति, फिर जिला परिषद, विधानसभा, लोकसभा, फिर अविश्वास ठहराव, वापस चुनाव, वहाँ का हुआ तो यहाँ का, फिर ऊपर से सोसाइटी, कामगार संगठन, शक्कर कारखाना, ये या वो, हमेशा चक्कर चालू ही रहता है। ये तो बिल्कुल फुल टाइम हुआ ना। अरे फिर घर बार कब देखेंगे आप जैसे नेता लोग? तो क्या करेंगे, घर बार प्रपंच सब छोड़ के समाज सेवा करने वाले का काम है ये। पर मैं कहता हूँ 4-5 पंचों पर पूरा भार देने के बजाय गांव के लोगों को थोड़ा थोड़ा हाथ बटाने दो ना, यानी 10 की लकड़ी 1 का बोझा है कि नहीं है? अरे हरबा, ऐसे हर एक से होने वाला काम है क्या वो? अरे जेनू काम तेनू था, कहते वो किस लिए? अरे नहीं, पर धीरे धीरे सभी करेंगे ना, तुम्हारी तरह यानी क्या कहते हैं वो, मार्गदर्शन या कुछ करते हैं उससे, यानी देखो ये सारी साक्षरता की रेल एकदम पटरी पर आ जाएगी। नहीं 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 नहीं। राम राम पंच। राम राम। जय तेरी की। आप यहाँ कैसे? यहाँ कैसे यानी? अरे ये पब्लिक जगह है, गांव के चौराहे पे बोलने के लिए सरपंच की परमिशन लगती है क्या? अरे वैसा नहीं अरबा चाचा, मंजुला भाई वहाँ महिला मंडल हिलाती है, और तुम यहाँ कैसे, ऐसा उसको पूछना है। हल्दी कुमकुम की खबर समझी कि नहीं? अब हल्दी कुमकुम की कौन सी खबर? अरे एकदम चकास कार्यक्रम हुआ हल्दी कुमकुम का। ऐसा अध्यक्ष कौन था? लो सुनो, नेता का ध्यान अध्यक्ष के कुर्सी पर। लो बबन, इस गांव में क्या चल रहा है किसी को पता ही नहीं। अरे क्यों चाहिए वो झमेला? अरे वो झमेला नहीं किया तो 30% का एकदम 100% पे आ जाएगा ना। क्या होनी के अनहोनी करके बोलता है। अरे ऐसे पहले आप बुझाने से बजाय सीधा सीधा बोल देना अच्छा है। अरे ये तो सीधी बात है। अब ये देखो, महिला मंडल में गीत लिख के गाने की स्पर्धा हुई है। हाँ। अरे हर बात चाचा को क्या मालूम है कि मंजुला भाई का पहला नंबर आया है। क्या पहचान मंजुला का? वाह 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 वाह, निकले क्या निकले क्या, इसे कहते हैं बौखलाई बकरी और लगी भेड़िए के पीछे। क्या मंजुला, क्या तुझे भेड़िया लगी क्या? भेड़िया? अरे आज तो भेड़िया ही है, पर कल शेरनी बनेगी शेरनी। अरे चाचा, गांव के सब औरतों पर पढ़ाई का भूत सवार हो गया है। अरे तुम तो पढ़े लिखे लड़के हो, फिर भी तुम्हें पढ़ाई से नफरत? अरे पढ़ाई से नफरत नहीं हमें, हम तो कहते हैं औरतों को पढ़नी चाहिए। पर मर्द लोग रहेंगे अंगूठा बहादुर, और ये पढ़ेंगी मतलब नाक से मोती भारी हो के नहीं। नहीं नहीं, अब हमको ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर जब गांव का नुकसान हो रहा हो तो चुप कैसे बैठेंगे हम लोग?
ऐसा कैसा पहाड़ टूट पड़ा है गांव पर? लो ऊपर से ऐसा बोलते, अरे बच्चे लोग पढ़ेंगे तो और बात है, पर घर के संभालने वाली औरतें काम काज छोड़ के वो पढ़ना क्या, वो महिला मंडल की मीटिंग क्या, ये और वो, इन सब फालतू चीजों में वक्त बर्बाद करेंगी तो। और वो भी हल्दी कुमकुम के बहाने कविता बोलो और गाने गाओ। ये जो शंकर है ना, वो शंकर और नंदा, ये दोनों ने तकरारवाड़ी की भिकारवाड़ी करने की ठान ली है। नहीं तो क्या, कविता और गाने लिख के गाने की स्पर्धा, जैसे कि बहना भाई, मुक्ता भाई, जन्ना भाई बन गई है। वाह 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 वाह, एकदम सच है। ठीक है ठीक है, बैठिए बैठिए बैठिए। तो जगन, ये सब संत महिलाएं, ये भी पहले साधारण औरतें थी। जगन भवन, ज्ञानेश्वर मौली ने इस विषय में क्या कहा है बताऊं? वो कहते हैं, हर एक को राजाओं के समान चलना, रुबाब में चलना नहीं आता, इसलिए कोई चलना ही छोड़ दे। अरे हर एक के मन में शब्द सूर गूंजते रहते हैं, उसे मुक्त कर दिया ना तो फिर हर एक के जीवन में काव्य संगीत लहराता है, फूलता है। इससे तो फसल लगाने वाले सिर्फ लावनी गाते रहेंगे और गेहूं बोने वाले गाना गाएंगे, तू मुंगड़ा मुंगड़ा मैं गुड़की चली, ऐसा ही गाना गाएंगे ना क्या? नहीं नहीं, हर एक को कुछ तो कहना होता है, और अगर सुनने वाला कोई सामने हो तो कहने का जो माध्यम है अक्षर, वो सीखने के लिए लोग अपने आप तैयार हो जाएंगे। ऐसा कड़वा मत बोलिए, मीठा बोलिए, तिलगुड़ लो मीठा बोलो। क्या है, मकर संक्रांति का त्योहार मन की कड़वाट मिटाने का त्योहार है, तब तिलगुड़ लो और गांव में होने वाली नई क्रांति का आनंद लो। अरे शंकर, ऐसे अचानक? बैठो बैठो, आपसे थोड़ी बात करनी है। कौन सी बात? बात तो कुछ खास नहीं है, नंदा कहती है। ये देख, साफ साफ बता, तू बताए बिना मैं समझूंगा कैसे? हाँ बोलो। हाँ, उसका कहना है कि गांव में साक्षरता का प्रचार हम करते हैं, औरतों को पढ़ने के लिए हम ही राजी करते हैं, गांव के सभी सार्वजनिक काम भी हम ही करते हैं, ये सब अगर हम ही करते हैं तो फिर गांव के सरपंच और बाकी लोगों को क्यों बुलाएं? उसका क्या कहना है गुरुजी, हमारे गाँव में जो क्रीड़ा स्पर्धा होने वाली है ना, उसका उद्घाटन करने सरपंच जी को बुलाया, इसका उसे गुस्सा आया। अरे शंकर, ये गांव के बड़े लोग हैं। हाँ, उनका सम्मान करना चाहिए ना। हाँ, पर उसका कहना ऐसा है कि हम जो काम करते हैं उसमें उनका सहयोग कहाँ होता है, उल्टा इन लोगों का विरोध ही रहता है उसके लिए। अरे इसीलिए तो उन्हें बुलाना है, ये देख वो लोग प्रतिनिधि है कि नहीं। हाँ, चुन के आए हो, फिर उन्हें सम्मान देना, ये लोकशाही जीवन पद्धति की शिक्षा है। ये देख, ऐसे कार्यक्रमों में वो सहभागी हुए ना तो उनका विरोध धीरे धीरे कम हो जाएगा, और सरपंच पंच मंडली इन सब का कार्यक्रम में सहभाग देखने के बाद गांवकरी भी बिना कुछ कहे इस कार्यक्रम में सहभाग देंगे। समझेगी वो धीरे धीरे, वैसे भी गुरुजी औरतों को बुद्धि थोड़ी कमी होती है। और गुरुजी, अब तो वो ये भी कहती है क्या कि इस कार्यक्रम में मैंने पार्शियलिटी की है। पार्शियलिटी? हाँ, कौन सी पार्शियलिटी? यानी कि ये जो स्पर्धाएं है ना, वो तो सिर्फ मर्दों के लिए है, औरतों के लिए कुछ भी नहीं है। अरे वो भी रखेंगे हम। हा? ये देख शंकर, खाने की थाली सामने आई तो हम वो सब एक साथ खाते हैं क्या? नहीं, तो एक एक निवाला करके खाते हैं ना, ये भी वैसा ही है। इस साल मर्दों की स्पर्धा ली तो अगले साल औरतों की रखेंगे हम, जैसे गांव के युवा लोग कार्यशील हुए ना, वैसे महिला मंडल भी कार्यशील होगा, ये समझाना पड़ेगा उसे। हाँ गुरुजी, गुरुजी ये देखिए। क्या? ये उस कार्यक्रम का नियोजन है। हाँ, मतलब देखिए, पहले नंबर पे रखी है दौड़ने की शर्यत। हाँ, दूसरे नंबर पे है छलांग लगाना। और तीसरे नंबर पे नंदा। क्यों रे इस वक्त सोई है तू? जरा बुखार आया है। अरे कितना बुखार चढ़ा है? हजार बार बोला है दोपहर के वक्त यहाँ वहाँ घूमना नहीं, कहाँ गई थी तू? कहाँ यानी? कहाँ यानी पीपल के नीचे से, नदी के बाजू से। नदी पार किए बिना कॉलेज जा सकती हूँ क्या मैं? पीपल से ही तो रास्ता है, पर उससे क्या होता है? बुरा वक्त कभी बोल के आता है क्या? तू उसकी चिंता मत कर, घूमने फिरने से थोड़ा बुखार आया है, मैंने गोली ली है, ठीक हो जाऊंगी।
नंदा अब ठीक है ना तू? हाँ। लो बुखार भी उतर गया, और ये देख अब पीपल से जाते वक्त संभल के जाना, दोपहर में वहां जाना ही मत। क्यों? अरे उसके भूत ने तुझे पकड़ लिया था, उतारा उतार दिया पीपल के यहाँ से, तब बुखार गया। कितनी भोली है अम्मा तू, मेरा बुखार उतर गया वो मैंने ली हुई गोली से, तूने नींबू उतारा इसलिए नहीं। चुप, ऐसा नहीं बोलते। ले